हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपके बीएड सेकंड ईयर के जो प्रैक्टिकल हैं वो जल्दी होने के चांसेस बन सकते हैं। आप सभी जानते होंगे कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो आ गई हैं। 29 से आप उन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है गाइस, हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसका हम बहुत ज़्यादा टाइम से वेट भी कर रहे थे। लगभग 4 साल के बाद ये वैकेंसी आई है। इसके लिए गाइज हमें बीएड सेकंड ईयर की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट है। इसके बिना हम अपने 20 वैकेंसी को फिल नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए गाइज यहाँ पर जो बीएड सेकंड ईयर का 18 से 20 वाला जो बैच है उसके बच्चों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि वो वैकेंसीज को फिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास अभी तक मार्कशीट नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से उनके जो एग्ज़ाम है वो डिले हो गए हैं, जिसकी वजह से अभी तक उनके प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक उनकी जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो नहीं आएगा और मार्कशीट भी नहीं आएगी। अब ऐसे में ये जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि अब हम ऐसा क्या करें। तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा गाइस। इस वीडियो के थ्रू आपको पता चलेगा कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि आप प्रैक्टिकल को जल्दी कराने के चांसेस बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइस, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल को। गाइस, ऐसा करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन है यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बनाना। हम जितना ज़्यादा प्रेशर यूनिवर्सिटी पर बनाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारी जो मार्कशीट है वो जल्दी आ जाए और हमारे जो प्रैक्टिकल है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। अब यूनिवर्सिटी पे आप कैसे प्रेशर बना सकते हैं? आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप उन्हें कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं, लेटर राइट कर सकते हैं, आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। और कोई एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी के आसपास रहता है तो यूनिवर्सिटी जाकर इंक्वायरी डिपार्टमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पर जाकर उनसे बात कर सकता है, उन्हें बता सकता है अपनी प्रॉब्लम को कि हमारे टीजीटी पीजीटी के फॉर्म्स आ गए हैं, वैकेंसीज आ गई हैं, हम वो फिल करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए बीएड सेकंड ईयर की मार्कशीट चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। और वो हमारे पास तब होगी जब हमारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो आप उनको बोल सकते हैं, सर प्लीज़ आप थोड़ा सा जल्दी ये प्रोसेस कंप्लीट करा दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्यूचर का सवाल है और ये वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो काफ़ी टाइम बाद हमारे सामने आई है और इसके बाद कब आएगी किसी को कुछ नहीं पता। तो आप इस तरीके से उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, और आप लोग मेल्स में भी यही राइट कर सकते हैं, लेटर में भी यही राइट कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी पर प्रेशर बना सकते हैं। आप जितना ज़्यादा यूनिवर्सिटी को रीच आउट करोगे, जितना ज़्यादा उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो प्रैक्टिकल है वो जल्दी हो जाए। इसके अलावा गाइज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी गाइज सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वो भी सेम कर रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी पे प्रेशर बना रहे हैं कॉल के थ्रू, मेल्स के थ्रू, लेटर के थ्रू। तो आप भी ये कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक न्यूज़पेपर की क्लिप दिख रही होगी, उसमें एक स्टूडेंट्स ने यही किया हुआ है, खुर्जा के किसी कॉलेज का वो स्टूडेंट है। वैसे इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। आप जितना ज़्यादा यूनिवर्सिटी को रीच आउट करोगे, कॉन्टेक्ट करोगे, उतने ज़्यादा चांसेस आप लोगों के बढ़ जाएंगे प्रैक्टिकल जल्दी होने के। मैं भी यही कर रही हूँ, मैं भी एवरीडे यूनिवर्सिटी को मेल कर रही हूँ, उनके ऊपर प्रेशर बना रही हूँ, आप भी यही कीजिए। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी कि आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और गाइज आप लोगों को ये जो ईमेल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, वो यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगा। और बाकी कोई भी अपडेट होता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी।